कि मैं किला दीदार सिंह किसी दुकान से कोई कापी कूपी लैन गया, वो शेख की दुकान सी जी, तो वो किसी मुंडे होर मुसलमान मुंडे दस रहा सीगा कि आ पाकिस्तान बनना है। अच्छा। ते असी इन्हों कट देना, ये बड़े गंदे होंगे। मेरी माँ ते मेरे भैन भरा इन्हों मेरे प्यो ने घोड़ी से चलाया तो कहना मैं फिर आऊँगा इधर आके कैंपा दे विच खालसा कॉलेज कैंप सीगा लगा हुआ अमृतसर खालसा कॉलेज एक कोई शरीफपुरे वाले किधर लग्या हुआ सीगा इत्थे वो जाते सन अनाउंस करवाते सीगे भी सोहन सिंह इत्थे आया तो उहदा परिवार इत्थे हैगा ते वो मिल लैण नहीं मिले। मैं अज आया जी मोहाली दे एक फेज विच सरदार हरजिंदर सिंह संधू जी ने मिलने अखबार में मेरे आर्टिकल पढ़ के इन्होंने मैं कई बार फोन किया पर सबब अज बनया इन्हां दी कहानी मैं पहलां तो जानता। 1947 जिन्हां लई कहर बन के वापरिया उन्हां चों एक सरदार हरजिंदर सिंह संधू जी भी ने। इन्हां दी कहानी बड़ी दर्दनाक है। इन्हां कोल ही पुछदे आ इन्हां दी जिंदगी ने किहड़े किहड़े रंग वेखे जां वक्त ने इन्हां नूं किहड़े किहड़े रंग विखाए। सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल। तुहाडा फिर पूरा नाम हरजिंदर सिंह? हरजिंदर सिंह संधू। संधू संधू साहब किहड़ा पिंड सी जिथे तुहाडा जन्म होया? पिंड सी किला दीवान सिंह। किला दीवान सिंह तो बहुत बड़ा कस्बा सी? नहीं, वो किला दीदार सिंह सी। वो किला दीदार सिंह है, ठीक है। किला दीवान सिंह साडा उस चार कुक मिले सीगा गुजरांवाले हाफसाबाद वाली सड़क ते जी जी। सड़क तो थोड़ा जिहा हटवां सीगा, जैदर साडे पिंड दा ही सीगा। अच्छा। साडी बरादरी चों ही संधू जी। वैसे तो असीं पिंड छड के नहीं सी आउणा क्योंकि ये सीगा कि चलो ठंड पै जाए कि वापस आ जाएंगे सारे ही घरों निकल के दे। नहीं चलो निकलने की गल भी करांगे, पहले तो आप उत्थे दी वसीब की गल कर लईए। थोड़ा जिहा दसो ना वो पिंड दे आसे पासे किहड़े पिंड सी? उत्थे एक ते नौखर सी जिथे असीं प्राइमरी लोअर मिडल स्कूल सीगा जी जी। एक बद्दो की एक पासे एक चट्ठे चक जी ते एक लज्जे दा कोट एक शायद चब्बा सीगा वो थोड़ा जिहा सड़क तो हटवां सीगा जी जी जी। ठीक है। ये संधू तो बहुत सियालकोट च सीगे गुजरांवाले जी मेरे ख्याल संधू घट सीगे ना जी? नहीं ये साडा पिंड संधुआं दा ही सीगा दो घर पुलणा दे सीगे जी ते जिहड़े संधू साडे होर बरादरी दे सीगे ओह मरम्मियां करके शेखपुरे चले गए। अच्छा। ते बहुते रिश्ते भी विरकां च ही हुंदे सीगे। हाँ क्योंकि विरक बहुत सीगे विरका हाँ शेखपुरे च तो बहुत जी। तो ताड़िया रिश्तेदारियाँ कितने कितने सी नानके कितने सी? मेरे फादर मेरे दादा जी की डैथ हो गई थी जो जन्म तो पहला ही। अच्छा। तो जन्म के बाद मदर की भी डैथ हो गई। ताड़े पिता जी? हाँ। अच्छा। की नाम सी उन्होंने? सरदार सोहन सिंह जी जी। इन्हों फिर नानकिया ने पा लिया। अच्छा। नानके विरक सीगे। तो किहड़े पिंड दे सी ओ? शायद बंदो के सी या चब्बा जड़ा एक एक उन्हां चों भरा उन्हां दा चब्बे रहिंदा सीगा जड़ा साडे गुआंढ सीगा सफेद पैशो से सी जैदर साडे पिंड दा सीगा जी। ते ए ओ फिर नानके रहण करके नानके भी खत्म हो गए ते ए इन्हां दा जड़ा कोई समझ लो क्लास फैलो सीगा मूला सिंह संधू जी वो मिलट्री च चला गया ए पुलिस च भर्ती हो गया। अच्छा। इहदा मतलब तुहाडे पिता जी नानकियां दे रह के पढ़े? हाँ। किन्ना पढ़े जी? ये नहीं मैं पंजवीं पास। अच्छा। वो फौज माने जदों पंजवीं दा सिलेबस अठवीं दे बराबर हुंदा सी उदों जी ते ये पुलिस च भर्ती हो गए वो सूबेदार रिटायर हुए हैड कॉन्सटेबल तो छड़ गए।
फिर उन्होंने आना जाना सगा जो भी कि जाना है मैनू लैके जाना इन्होंने बंदो के चूड़काने के कोल है जी बंदो के सिरके वरना ये सारे पिंड उत्थे सी ते मैनू छोटे हुंदे नूं लै जाना आफताबाद जाना बस से उसों ट्रेन पर चढ़ना सांगली तो चेंज करना सांगली तो फिर चूड़काने आना उदो चूड़काने मैं नहीं देखा वैसे छोटा हुंदा सीगा नहर के कंडे कंडे तुर के बंदो के पहुँचना छुट्टियां उत्थे कट आनियां इस तरह मेरा पहला जड़ा सीगा ये चौथी तक जी पंजवीं च वजीफे का इम्तिहान दिता पास हो गए कहन जी ये लोअर मिडल स्कूल तुहानू नहीं मिलने वजीफा तुहानू मिलेगा एंग्लो स्कूल च अच्छा। फिर मैनू किला दीदार सिंह जाना पिया अच्छा होस्टल च रहा क्योंकि साडे जिहड़े छेवीं पास करदे सीगे लोअर मिडल स्कूल चों वो उत्थे जांदे सन वो सीनियर स्पैशल करदे सीगे जूनियर स्पैशल ते सीनियर स्पैशल छेवीं पास जिहड़े जूनियर स्पैशल ते जिहड़े अठवीं पास आउंदे सीगे मिडल रैकर स्कूल चों वो सीनियर स्पैशल करदे सीगे। संत साहब जिहड़े तुहाडे प्राइमरी दे विच टीचर सी तुहानू याद ने? हैड मास्टर परमानंद सी जी ते एक मुसलमान सीगा हकीम भी सीगा नौकर दा ही रहन वाला सीगा ते दवाइयां भी देंदा सीगा ते एक सरदार सी उहदा मैनूं नां नहीं याद जी ते किला दीदार सिंह दे विच ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਖਾਲਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗਾ। ਹੈਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ? ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਥੰਮ ਵੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ? ਖੇਡ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਛੇਵੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਕੂਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੈਦਾਨਾ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਸਨ ਉਹ ਗੁੰਮਥਲਾ ਗੜੂ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਧੂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 47 ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ
मतलब वो चार भरा सन तो चार साढ़े सन ये लंबरदारा चो सके तो वो जायदार चो जी उन्हों चो बहुते बंदे जड़े ही साढ़े संधुआ के इन्होंने शेखपुरे मुरबे मिले उत्थे चले गए। लेकिन वो आते रहते क्योंकि जमीन वोदिया कि दीवान सिंह भी सन पिछों असी सीगे काना कोना काना काछा जी लाहौर उतो गए। हाँ इतों साडा दीवान सिंह जड़ा सी ना साडा बुजुर्ग जी वो उत्थे आया उन्हें किला बनाया कच्चा किला सी वा ये गल मिसलां दे वेले दी होगी हुण ये भी नहीं याद ये इहनू मैं कहा जड़ा इस संत प्रकाश सिंह है मैं कहा असी सदा कौर जी साढ़े बजुर्गों चो सी उन्हें रणजीत सिंह नाल अपनी कुड़ी ब्याहती तो अपनी मिसल उधर मर्ज करती कनिया मिसल कहिंदा ये मैनू हुण पता लगा भी नहीं असी उन्हां चो नहीं सीगे पता नहीं किन्ना चो सीगे लेकिन वो तो इत्थे ही पढ़िया वे यूनिवर्सिटी चो ते उहदे होर सामने भी संधू हैगे ने वो सारे गुमथले गड़ू दे ने। अच्छा। मैं नहीं गया गुमथले गड़ू जिहड़े साडे नाल दे सीगे जिहड़े लंबदाना च सीगे थोड़ी देर इन्हां कोल रहि असीं आए गांधी नगर कैंप जी आपां गल करदे आ वो गल आपां हुण उत्थों शुरू करांगे ते पार्टीशन वेले तुसीं पढ़ रहे सी किला दीदार सिंह। हाँ जी छुट्टियां ठीक है ताडा जिहड़ा पिंड सी उत्थों किन्नी दूर सीगा चार कु मील चार मील होना चार मील ते ताडे अपने पिंड च मुसलमान सीगे साढ़े जिन्हें भी मुसलमान जो कमी सीगे लोहार तरखाण जिन्होंने काम करने मोची किरती लोग सी। हाँ कि ना कोई याद राही बस एक सोहना साढ़े पिंड मतलब साढ़े घर के सामने सीगा उहदा घर एक हाका अरैन सीगी उहदा नाम याद है सामने बाकी सोना भी राइया चुस है सोना भी राइया चुस ये सोना अराई सी शायद। अच्छा ते बाकी एक चिराग भी सीगा वो तरखाना चो सीगे लोहार तरखाण जी ये रखनी पैंदे ही जटा नू बिल्कुल ते अराई जिहड़े सी ओ सब्जियां दे जांदे सीगे ते साल दे विचों जिहड़े ओ दाने लै जाने चावल तो मुंजी भी होंगी साढ़े पिंड ची कोई दोस्त नहीं बनया ताडे हाण दा पिंड दे तुहानूं दस्सिया वे भी मेरे हाण दा कोई नहीं अजीत सिंह चैन सिंह ये नाई सीगा मेरे नाल ही पढ़ता सीगा प्राइमरी तक तो चौथी तक तो मेरे नाल ही सीगे ये सुनाम इन्होंने जमीन मिली जमीन नहीं वो नाई सीगे घर मिले उत्थे घर उन्होंने कब्जा कर लिया साढ़े पेंडुआ नू मकान शहर च नहीं सी मिलता। हाँ बिल्कुल ते इस करके मेरी माँ ने भी एक ते कब्जा कर लिया पहला किराया देंदी रही अठ कोने जो होंदा फिर कर दे वो भी गल ते जो संताली चढ़िया फिर जी उदों दी गल सुनाओ भी किवें छड़िया किला दीदार सिंह फिर पिंड आए तुसीं पिंड किवें छड़िया ये सारी कहानी तुरन दी दसो पिंड दे विच पहला तो मैं तुहानूं एक गल दसनी है कि मैं किला दीदार सिंह ही किसी दुकान से कोई कापी कूपी लैन गया वो शेख की दुकान सी जी तो वो किसी मुंडे होर मुसलमान मुंडे दस रहा है आ पाकिस्तान बनना तो असी इन्हों कढ देना है बड़े गंदे होंगे ने मैं हुण हैरान हुंदा वा कि 20 जुलाई तो पहला दी गल है जदों ये दस रहा वे मुसलमान मुंडे नूं ते साडी गवर्नमेंट नूं नहीं पता लग्या जां इस वेले ब्रिटिश गवर्नमेंट सीगी उन्हां नूं पता लग्या भी इहनां पार्टीशन चों मुसलमानां ने हिंदुआं नूं कढ देणा इधरों ते पाकिस्तान भी उहनूं पता सी इह पाकिस्तान बनना उह एरिया जिहड़ा उत्थों फिर मैं उह जिहड़ा तुहानूं पहलां वी दस्सिया सी इह सुरजीत सिंह इत्थे सीगा गुमथले गड़ू इन्हूं मैं फोन किया तो मैं क्या मैं सोहन सिंह का लड़का क्योंकि 20-30 साल तो मिले ही नहीं किधरे जी कहिंदा बाबा सोहन छोटा मुंडा मैं क्या नहीं मेरा छोटा भरा जिहड़ा वह बाहर है मैं वड्डा वा मैं क्या मैनू हरजिंदर तो जिंदर जिंदर तो सिंदर सिंदर तो सिंधु है इस करके उहनूं भुलेखा लगे भी ये छोटा है
खैर उन्हें मैनू दस्या कि साढ़े एक मुंडा सूरत सिंह से भतीजा मेरे तो मेरा भतीजा सी लेकिन वो नौवीं के दसवीं से वो हाकी खेडते सी पै हाकी खेडद्या खेडद उन्होंने किसी ने दसिया भी वो टग्गा वड्डन चले ने पठ पट्ठे च ये सारे हाकी लैके बिचे हिंदू मुसलमान सब उन्होंने पिछे दौड़ गए एक मुंडा कोई कट्टर होना है वो नहीं गया तो नठ गए टग्गा चुक के लिया अपने होस्टल च एक टग्गा है दूजा टग्गा भी असं खूह चला करांगे अच्छा ये देना तो मुसलमान फिर अप्रोच कर सुपरिटेंडेंट जिहड़ा होस्टल का सीगा वो कहना लाला हैगा वे वो कहिंदा दे दिओ छड्ड दिओ खैर टग्गा छड्ड दित्ता लेकिन साढ़े जायदार का जिहड़ा सीगा मुंडा उत्थे सूरत सिंह जी ये भी उन्हां च कुटन वालियां विच सीगा कहिंदे सानू तो पिंड दे मुसलमानां कोल कोई खतरा नहीं सगों साढ़े पिंड दे मुसलमान पिंड छड्ड के चले सन तो इन्होंने कहा भी तुहानू असीं कुछ नहीं कहिंदे क्योंकि इन्होंने हथियार कट्ठे करने शुरू करते कोई लाइसेंसी दूजे तो टैसट भी करने शुरू करते तो वो नठन लगे तो ये कहते ना जाओ असी नहीं तुहानू कुछ कहिंदे अखीर जदों इन्होंने पता लगा भी बाहरले वो कहते सूरत सिंह वाले जड़े आ मुसलमान पिंड का पिंड ही पै जाए आके तो फिर इन्होंने साड़ी तो हैल्प कि नहीं करनी बिल्कुल असी फिर वो सारे ही निकल आए घरों सारे तुर के पैदल ही तुसी किला दीदार सिंह सीगे तुसी फिर पिंड आ गए वो छुट्टियां जो हो गई फिर हाँ, जुलाई जुलाई छुट्टियां हो गई फिर करी रहिंदे सी ते वो असी फिर सारे ही सारे पिंड दे ताले ला के घरां नूं ते उन्हां मुसलमान नूं सौंप के आ गए अपने घर की चाबी किनू दिती सी ये रह गए अच्छा रह गए मैनू इन्होंने भेजता चल साडी निशानी बच जाएगी अच्छा अच्छा तुहाडे परिवार च कौन कौन सी मेरे परिवार च मेरा प्यो मेरी माँ ते मेरे छोटे भैन भरा ये छोटे से इन्हां चों कोई ठीक नहीं सी पता नहीं बीमार सी कोई अच्छा अच्छा इस करके ये नहीं आए फिर जदों मैं वरना पिंड है के उपर उत्थे सिख ज़्यादा ने चलो उत्थे चले जाने मैनू इन्होंने उत्थे भेजता मेरे मतलब जिहड़े शरीके चों भरा सी उन्हां दे सहुरे भी उत्थे सन जी उन्हां कोल कुछ देर रहा ते खेडदा खुडदा रहा मैं उन्होंने पूछा बंदो के किधर है कहिंदे इधर है ते मैं क्योंकि बंद हो के मैं जाता रहा छोटा हों रिश्तेदारी होनी कोई उ तो दसा सी मेरे फादर का मामा मतलब नहीं फादर कुलीग तो मामे का लड़का मैं उतों तुर पिया वरना तो बिना दसे ही नाल ही बंद हो के कहते सामने बंद हो के हैगा मैं जड़ी होंगी सी फैन फलियां नाल जी होंगी सी बनन ओदी बनाई हुई डंडा बनाया हुआ सीगा वो लैके तो तुर पिया उधर जदों एक नहर से आया तो अगों मुसलमान आते पे तो मैं क्या ये कद मैं कुछ कह ना तो नहर के पुल के उपर खड़ा हो गया मैं क्या जो मैं कुछ कह मैं छाल मार देंगे नहर सुकी सी तो आप खप पा देंगा खैर वो लंघ है चुप करके मुसलमान कहते नहीं सी उत्थे कुछ जी खैर मैं फिर चलो बंद होकर चला गया अगो बंद होकर मैं समझ ना आवे भी हूँ जाना किधर है चंगा तकड़ा पिंड से पुछ पछा के क्योंकि उधरों जो नहर वाले पास आते ही चूड़काने उतर के तो रस्ता होर सी घर सारा पिंड तो मैं देखा नहीं घर चला गया मेरी माँ तो मेरे भैन भरा इन्हों मेरे प्यो ने घोड़ी से चढ़ाया तो कहना मैं फिर आऊँगा ओ, मेरा प्यो वापस चला गया तो मैं उत्थे ये आए वरना क्योंकि इन्होंने वरना भेजा सी मैनू मेरी माँ कहती मेरा मुंडा वो कहते वो आपे चला गया उधर फिर बारिश के बेचो छड़न आए अच्छा को
घोड़िया तो मेरी माँ नूं दे जाण। माँ बड़ी खुश हुई तो कहती प्यो तेरा खर्च। उस वे मैं थोड़ा जा दुख लग्या, कोई रोया भी मेरा प्यो रह गया। अच्छा तुम दसिया क्यों मुड़ गया पिछे? हाँ वापस चला गया। उसके बाद पता नहीं कहते ने भी सुनिया ही है भी वो कतल करता। वो कहते सी तू मेरे पैसे कड़े ने इतों दबे हुए। वही गल तुम सुनाई सी, पूरी गल किस तरह हुई सी? कोई पता नहीं सानू। जिहड़ा सोहण सी तुहाडा गवांढी? हाँ हाँ सोहणा जिन्हां नाल इन्हां दी बड़ी दोस्ती सी। दोस्ती उदां ही मतलब गवांढ सी। उहनूं कहिंदे सी? हाँ उह जो सुणिया सुणिया पक्का नहीं है। लोक कल्ले रहिंदे रहे काफ़ी दिन रहे होणगे उत्थे? काफ़ी देर है मतलब तुहानूं दस्सिया भी मुसलमान जिहड़े आ उह साडे नाल कोई बहुते ये है भी वह खाते वक्रा सी साडा वक्रा सी पर बहुता है नहीं सी परहेज साडा। उन्होंने गुरद्वा जेडे मसीत सी वह कच्ची सी, साडा गुरद्वारा पक्का खूही लगी हुई, खूही दे विच हल्टी भी लगी हुई है, उहदे च पानी भरना उपर ते टूटियां चल पैंदियां सन। बड़ा फसका सी गुरद्वारा, पता नहीं की बनिया गुरद्वारे का भी बाद चुके ग्रंथ साहब कित्थे उह तो कुछ भी नहीं। मेरे फादर की अलमारी एक किताबों नाल भरी हुंदी सी। अच्छा जी। ते एक रसालियां नाल ते जंतरियां नाल हर महीने की हर साल की जंतरी रखनी है। से किस तरह दी किताबां पढ़दे हुंदे सी? धार्मिक सी बहुतियां, पर उर्दू भी उन्होंने चंगा आउंदा सीगा। कुछ लिख भी लैंदे सी आप भी? हाँ लिखते सीगे। हुण तुहानूं मैं दस्सिया भी उह चिट्ठी भी लिखनी हुंदी सी ना, ते कई बार जिहड़ा साडे मेरा मास्टर सीगा मुसलमान उहदे नाल भी चंगे सी रिलेशन। कोई कविता लिखनी, कविता च चिट्ठी लिखनी, पोस्ट कार्ड हुंदे सीगे कविता च लिखणे। ते इक उन्होंने लिखिया सी चंद्रहास का किस्सा। अच्छा। उदो किस्से बड़े चलते सीगे, गुग्गी कां किस्सा, उन्होंने लड़ाई होर की हुंदी सीगी, गुस्ताख औरत, इदां दे किस्से छोटे छोटे पैम्फलेट जे हुंदे सीगे। तो इन्होंने भी वह चंद्रहास किस्सा जिहड़ा सी लिखिया सी ते उह छपिया सी। मैं फिर एक बार चिट्ठी भी लिखी इत्थों जलंधरों, उदो मैं जलंधर गांधीनगर कैंप, जलंधर गांधीनगर कैंप हुण ते खत्म है, हुण बर्लटन पार्क बन गया। चिट्ठी किहनूं लिखी सी? चिट्ठी लिखी सी सोहण सोहणे नूं। अच्छा। भी पर हुण कित्थे उहदे अनपढ़ सन, मुसलमान कोई नहीं सी पढ़दा, अपनी शायद नमाज नमूज पढ़ते हो। असल में आर्थिक स्थिति उन्होंने इन्नी वधिया नहीं सी। हाँ ना वो तुम दस्या भी अराइया को थोड़ी जी जमीन सी, बाकी लोहार तरखाने ना दी कोई जमीन नहीं सी। कच्चे मकान रोजी रोटी दे साडे जट्टां दे मकान भी कच्चे ही सी बहुते। अच्छा। एक साडा पक्का सीगा ते इक जिन्हां दे वरना दे मैं गया सीगा उन्हां दे सहुरियां दे, उन्हां दा मत्था पक्का सी। ते साडा ते इन्हां जायदारां दे चार भरा सन, इन्हां दे भी चारां भरावां दे मकान पक्के सन, साडा एक पक्का सी। जमीन तां सारयां नालों वध जायदारां दी होणी है, हो सकता ज़्यादा हो, कोई मैं पता नहीं है। वैसे इन्हों का एक खूह ही सीगा, इन्हों का एक खूह ही सारा इन्हों का। खूह का नाम साडा शहजादा सी शायद। अच्छा। वो खूह पिंड तो बहुत दूर से, मतलब साढ़े किला जवान सिंह की जमीन ने सी उन्होंने खरीदी हुई सी। तो मैं उत्थे छोटा जिहा फंक्शन हुंदा सीगा महीने दे अंदर, कोई ना कोई मेला हुंदा ही सीगा, मैं भी उत्थे गया सीगा। चट्ठे चक दे मुंडे ते साडे पिंड दे मुंडे इन्हें कबड्डी खेडदे सी। अच्छा। मैनू इन्हां ने कपड़े फड़ाते अपने आने भी तू इत्थे वो जिहड़ा बणदा हुंदा की कहिंदे उहनूं हंदे, हंदे हंदे हंदियां दे विच वो एक पासे मैं बैठा वां, कपड़े उहनां दे सांभे होए ने। ते वह मुंडे हार गए, हार गए ते वो कपड़े पा के निकल गए। दूर जाके उन्होंने गाला कड़ियाँ, ये उन्होंने कुटन चले गए। कितने चले गए? मैं कल्ला रह गया। अच्छा। कपड़े तुहाडे कोल? मैं कपड़े पा लए इन्होंने भी। अच्छा। ये दौड़ पे उन्होंने पिछे,
मैं कला उस मतलब दो किलो दो मील या मील दो मील खूह ज्यादा तरह की खूह से मैं उत्थे कला रह गया। फिर एक कादर कि मुसलमान सेगा थोड़ा जा लंगड़ा सेगा ते ओ उत्थे आने आना से ओ मेरे नाल तुर पिया पिंड नूं जी। ते जिहड़ा खतरनाक कहिंदे सीगे वी इह पट्ठे दे विच भूत हुंदे ने हैं इह उत्थों वी लंघ आ गया। इह थां अगे पक्की सीगी, पक्की का मतलब मैं समझदा वी उत्थे रोड हुंदे ने पक्के पक्के जी। मैं ओह समझदा सीगा इत्थे कहिंदा रोड पिछों वजदे ने साडा मेरा जिहड़ा चाचा सीगा ओह काला इलम वी जाणदा सीगा। ते तुसीं फिर पहलां कित्थे आए पिंड छड्ड के? पिंड छड़ के वरना मैं कला तुसी चल गए अगे ते फिर मैं चला गया बंदो के फिर तुहानू तुहाडी माता जी मिल पई। मेरे हम मेरी माता भी उत्थे पहुँच गई उत्थे बंदो के दे एक बारी रहिंदे सी। इस 15 अगस्त दे बाद दीआं गल्लां ने जी जी जी। जदों उत्थे असी रह रहे सीगे ते इन्हां नूं शक होया कि कोई लुट्टण वास्ते आ रहे मुसलमान। ये सारे जो भी बरछा बुरछा कृपान पिस्तौल जो सीगे ते जिहड़ा मेरा वो मामे दा वो लड़का सी मेरा चाचा गुरसागर इत्थे गुर केड़ा गुजरां वाले कॉलेज च पढ़दा सीगा उहने मैनू बोतलां दित्तियां कहिंदा जे सानू मार के आ गए ना ते आ बोतल सुटनी है बंब है अग लग जाएगी ते जे अग तेरे वल आएगी कोठे दे उपर जे अग तेरे वल आएगी तो आस अपना अग बुझ जाएगी। वह मैंने समझा के ते आप सारे चले गए पिंड जिन्ने भी बंदे सीगे उन्होंने फिर वापस आ गया। वैसे फिर मेरी माँ मैंने खिंच के लिया वे तू ना इत्थे आ अच्छा। बनेरे से ना खड़ा हो पर तुसी नहीं हटदे होने। मैं क्या मैनू कोई खतरा नहीं मैनू तो मैं अगो अगों सुटना उन्होंने मेरे को बंब है। आहो खैर वो वापस आ गए सारे कि जी वो नाल दा पिंड जिहड़ा सी वो सारे छड के कैंप चले गए जी सारे तो उतों आई लुट के जिहड़ा माल हैगा लै आई उतों। फिर ये भी बंदो के वाले भी इस सचासद दा कैंप च पहुँच गए उन्हां दे नाल असीं भी पहुँच गए क्योंकि साडे नाल एक एक किस्म दा सके चाचा सी मेरे जी जी ते इत्थे पहुँच गए। बंदो के दे जिहड़े मूला सिंह हुणी की सीगे उत्थे ये कमेटी दे मैंबर सीगे। अच्छा जी ठीक है। ते सूबेदार सीगे रिटायर जी 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 ते ये भी घरों कुछ नहीं लिया है बाकी माल डंगर भी लिया जिहड़े काफलियां नाल आउंदे सन ते ये घरों उदां ही चल पए सन सारे साडे। अच्छा, अच्छा, मेरे फादर ने भी जिन्ने पैसे सीगे कढ के दित्ते जिहड़े इत्थे आ के असीं वरत ले रहे पैसे देते सी रहे आ जिहड़े कढा लिआंदे पैसे ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਢਾਓ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਮੁੜੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਏ ਉਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੂੜਕਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਬਈ ਸਰੋਵਰ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ
उत्थे रहिंदे सन वो ट्रेन वापस आई तो उन्होंने सारे ने फिर किता सफाई करनी है उस मैं भी वो जड़ा सरोवर से वह पानी एक तो खूह चलाउंदे सी ते पानी बाहर कढ़दे सीगे खूह च दूजे बाल्टियां नाल बाहर कढ़ना ते उहदे च असीं भी सेवा करदे रहे क्योंकि उम्र ही इदां दी हुंदी है 13 कुछ साल की हाँ तुसीं भी सेवा कीती है वो सेवा करते रहे बाकी उत्ते जिहड़े सफाइयां भी करते रहे जी ए ट्रेन वापस आई तो उस दे बाद जिहड़ी ट्रेन वाली जिहदे ते गोली चलाई उन्होंने ये खाली ट्रेन आउंदी है भई इन्होंने कहा भी ये साडे वल लैन आई है वो ट्रेन चलती रही तो अंदरों मशीन गन का फायर करता उहदे विच जिहड़े दौड़े सी समान चुक के सिरां ते उन्होंने भी गोली लगी जिहड़े लेटे हुए सन उन्होंने भी गोलियां वज्जियां इन्ने बंदे मरे कि तीन गड्ढे तीन थां ते शमशान बना के वो चिता बना के गड्ढे ते मिट्टी का तेल पा के तीन चार दिन जलदा रहा फिर इन्होंने किया जिहड़ी साडे नाल मिलटरी सी कैंप की इन्होंने किया भी अगे तो जिहड़ी खाली ट्रेन आ भी खतरा दौड़ना नहीं है किसी ने जाना नहीं है इन्होंने उपर एक छोटा ही रेलवे स्टेशन दो तीन कमरे सन इन्होंने उपर मशीन गन फिट कर ली तो गड्डी की लाइन के नाल नाल भी मोर्चे ज टोए पुट के तो उत्थे सिपाही लेट जो भी ट्रेन आवे उपरला भी तैयार निचले भी तैयार भी जे कुछ करे तो असं भी कर दें खैर उतों फिर एक ट्रेन आई भरी हुई मुसलमानों की रिफ्यूजियां की उन्होंने किसी एक ने गोली चला दी इधरों भी चले हुए गए सन बिल्कुल इन्होंने उपरों भी फायर करना शुरू करता तो जेडे साइडा से लेटे हुए थे उन्होंने भी फायर किया ट्रेन से हुण किन्ना नुकसान होया ये नहीं पता उन्हों का लेकिन कुछ बंदे उस तो अगला स्टेशन जिथे जाकर ट्रेन रुकी है उत्थे फिरदे रहिंदे जेडे सरदार उन्होंने घर सन गावं मझां उतों ही मुसलमान के दुध भी दे जाते होंगे सीगे तो उन्होंने देखिया भी उत्थे जा गड्डी खड़ी है तो चीक झिहाड़ा पिया होया भी इहदा मतलब उन्होंने तो नुकसान चंगा होया क्यों मशीन गन फायर तो गड्डी दे डब्बियां नूं तोड़ लैंदा है नैक्सट डे मैं ते ओ मेरा जिहड़ा चाचा गुरसागर सिंह सीगा असी जांदे सी उहदे तो पार गड्डी दी लाइन तो दूजे पासे देखिया जिथे ते इट दे विच वज्जे है गोली वो टुट गई जिथे वो जंगला हुंदा वे उहदे च लगी ते जंगला तोड़ के गोली लंघी हुई है ते तुहानूं दस्सिया भी बड़ा अगों भी जदों भी ट्रेन आवे तो मैं कोठे ते चढ़ जाया करना मां मैनूं गुस्से होए उपर नहीं जाना मैं मैनूं फिकर नहीं है मैं तो लेट जाना बनेरे दे नाल ही कोई फर्क नहीं पैंदा फिर आउण वेले उत्थों कोई इधरों ट्रक गए फ्रूट वगैरह लै के तो उन्हां ट्रकां दे विच असी सवार हो गए वापसी ते खाली आउणे सन ते मैं भी सोचा दिल दे विच कहिंदे जिहड़े ने इहनां लाहौर नहीं देखिया तो मैं कहा चलो लाहौर देख लांगे जांदे जांदे पर लाहौर किस स्थिति विच वेख्या मौत दा पहरा वो इदां है भी रस्ते मिलटरी वाले ने रोकिया मुसलमान साडा बंदा गुम है तलाशी लैनी है अच्छा। सारे ट्रकों तो उतर के देख लो फिर कहने जी समान भी चुको समान कहड़ा सी बिस्तरे बुस्तरे से दूजा समान से ये साड़ी मिलटरी वाले कह नहीं असी नहीं चुकना काफ़ी देर बहस नहीं सानू तो पता नहीं की हुंदा सीगा दोनों पासे रावी का पानी उन्हें हड़ा बनाए सन तो असी अनेरे च लाहौर पहुँचे लाहौर डी ए वी कॉलेज कैंप लगे हुए सके रात उसे ठहरे सवेरे ट्रकों च बह के तो नेरे च ही लाहौरों निकल आए थे जदों अमृतसर आने बॉर्डर से ओ लाश उपर बैठे असी थले जड़े खड़े सन ट्रकों वो कह देख उधर लाश उधर देखो
ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਡੋ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੈਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਸਵਾ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੀ ਸਵਾ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਾਗਰ ਇਹ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸੀਗਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਾਚਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚੱਬੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਬਣਦਾ ਠੱਪ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਜਪੁਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਜਪੁਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤਾਜਪੁਰ ਸੁਬਾਨਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੁਬਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਸ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਓ ਜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਟੀਚਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਸਨ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਮਰਜ ਕਰਤਾ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਕੈਂਪ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਨਾਈ ਸੀਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਮਥਲੇ ਗੜੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਲਵਾੜੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਦੇ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਬਾਨਪੁਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਚੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਪੱਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮ ਸੀਗੀ ਦੂਜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੁਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਧੂ ਕੁਛ ਸੀਗੇ
जेडे मरबिया से गए सन वह भी उतों बेच के चले गए। तो एक एक घर रह गया अरूर सिंह से मेरा चाचा, तो वो ही थोड़ी जी साड़ी हेल्प कर सकता, पर वो बिल्कुल अनपढ़, वो पुत्र भी अनपढ़, उन्होंने ये भी इतने आ जाएगा कोई पढ़िया लिखा बंदा साड़ी कोई हेल्प करेगा। मेरी नौकरी उधर लग गई, मैं नहीं उधर गया। चलो खैर, ये लंबे सफर के संधु साहब हम आप गल तो यह करनी है कि तेरे फादर साहब तुम चिट्ठी भी पाई, कुछ को पता लगे उन्होंने की वापरिया? नहीं सब कुछ नहीं। अच्छा, वो कोई पता नहीं लग्या की होया, ये जो सुनिया है इसे। मैंने लगता इस वीडियो तो बाद उन्होंने की वापरिया पता लग जो नहीं, ये नहीं। पौनी सदी बाद ये हो सकता तेरे पिंड का जो ना आ किला दीवान सिंह की जगह हो रख लिया हो? नहीं ना, किला दीवान सिंह ही मेरे ख्याल हूँ भी चलता, क्योंकि एक पिछे जहा मोबाइल से दिखाया, पता नहीं किसने दिखाया मैं, वो बंदा वो कहता छोटा हों भी कह मुसलमान से। अच्छा। उन कोई जिदा तुसी कर रहे हो ना इंटरव्यू, इदा कोई इंटरव्यू कर रहा, तो वो कहता भी मैं जायदाना दे नौकर सेगा हैं, तो मैनू इन्ना याद है भी ये कपूर सिंह यदा प्यो हरनाम सिंह से डैथ हो गई थी, कपूर सिंह सरबरा जायदार बनया जी, तो ये मुंडे बड़े चंगे सन साढ़े नाल, बहुत अच्छा सेगा। तो मैं वो इदा दिया गल्लां दसदा सीगा कि इत्थे रहे। चलो वह भी आप देखते हैं। तो संधु साहब कोई होर गल रह गई हो जी तुसी करनी चाहो? है ये भी 15 अगस्त असी पिंड च बैठे हाँ, बारिशां हो रही ने, दो तीन मुंडे असी चार पित मार दे मीह दे विच चले गए। नौखर जड़ा साढ़े तो काफ़ी दूर सीगा, उत्थे चले गए, पिंड दे अंदर नहीं गए, उत्थों कि नहर चलती सीगी, नहर दे विच पानी है नहीं सी, कभी उहदे विच वड़ जाइए कभी बाहर निकल आइए छोटे छोटे पानी च, फिर असी उत्थों नहर दे विच रुड़दे हुए सोटियां फड़ लईयां भी जे कोई आएगा तो असी चार मुंडे हैगे आ, कोई नहीं फर्क पैंदा। वह इदां ही नंगे तिरंगे दौड़ते हुए उस घर वापस, किसी मुसलमान ने सानू कुछ नहीं किया, तो थानू दस्या वे भी शिवपुर वरना से इत्थे भी आपे घर छड़ के आए ने सारे। इत्थे कहंदे ने भी किला दीदार सिंह नाल एक पिंड ड्योड़ी सीगा। हाँ जी, विरकां दा सी। अच्छा, तो एक फिलो के सी संधुआ का सीगा नौकर दे नाल जी। खैर उत्थे कहंदे आ भी मुसलमानां ने कोई ज्यादती कीती बाहर दे मुसलमान, वो सारे छड़ गए। एक बंदा कहंदे रह गया उत्थे, तो मिलटरी वाले फिरन, तो वो अपने बाजरे के कोल ना छुप के बैठा रहा, बिचो करदा करदा कोई आया उन्हें उन्हें वड्या, तो आप कमाद च वड़ गया नाल ही खेतों। फिर रात नूं सफ़र करे जिन कमादा चाह करते करते आया। अच्छा, वाह, कभी पिंड देखने जी नहीं किया कि जाइए? नहीं, मैं तो कहता ही जावा, पर मैं ये कहता सी मैनू, मैं तो सच्चा सौदा ननकाणा साहब सच्चा सौदा जाने जी करते जिसे रहा मैं दो महीने, तो ननकाणा साहब पंजा साहब की करना चाहिए मैं पासपोर्ट देन, मैं अपना पिंड अपना स्कूल ये देखा, पर वो ये पासपोर्ट मिलना नहीं, मैं नहीं ट्राई की थी। ये महिंद्र दीवाना गया? हाँ जी, ये गए। ये जिहड़े कैंप दे विच बंदे रखे जांदे सीगे जिन्हों आपां राम कलोनी कैंप कहने आ, इहदे विच जिहड़े छाउणी वाले सरदार सी उन्होंने जमीन दित्ती सी? नहीं, ये सीगी सरदार छाउणी वाले, छाउणी वाले ये छाउणी सी अंग्रेज़ां दी। हाँ जी, जदों अंग्रेज़ों ने पंजाब से कब्जा किया ना, तो गौरमेंट हाई स्कूल भी
अफसर रहिंदे सन जी। गवर्नमेंट हाई स्कूल जिहड़ा सी इह जिथे कॉलेज है इत्थे सीगा गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ अच्छा, ये गवर्नमेंट कॉलेज थां ते गवर्नमेंट हाई स्कूल सीगा इत्थे। उहने अंग्रेज़ां वास्ते बणे सी, उहदे निशान भी अजे तक भी उस मेरा बिल्डिंग हुण बदल गई होवे जिदा अंग्रेजा के होंगे सी। नहीं गवर्नमेंट कॉलेज वाली तो बिल्डिंग है। नहीं गवर्नमेंट स्कूल स्कूल दी। अच्छा, जड़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल है घंटाघर के नाल। हाँ घंटाघर के नाल। ये बाकी सारी किसी ने डोनेट की हुई सी जमीन स्कूल वास्ते, घंटाघर भी किसी ने डोनेट किया। अच्छा एक चीज़, तुसी राम कलोनी कैंप च रहे हैं, दो नाम है बड़े सुने हैं, मिस थापर। मिस थापर ने तो मैं रखिया ना सेवा सदन, वो हुशियार जलंधर बच्च सेवा सदन कैंप सेगा, उत्थे अनअटैचड बच्चे जिन्हां दी मावां नहीं सन उन्हां दी रोटी भी बनती सी, उत्थे रहिंदे सन। मैनू भी उन्हां विच रख दिता। जदों मैं उत्थे सतवीं पास की तो कहिंदे हुण नहीं इहनूं रखणा इत्थे। एक होर मुंडा सीगा हकूमत राय, एक मैं। हकूमत राय दे भी इदां मारे गए सी घर दे? नहीं हकूम पता नहीं उहदा, मैनूं मतलब वी उह कल्ला सीगा। ते मैनूं सेवा सदन दी इंचार्ज कहिंदी है सेठी सीगी, वह फिर बाद सापर के नाल ही लग गई कलर्क। जदों वह मैं कहती जे तेरी माँ हैगी तू इतें लै आ, मैं माँ को इतने लै आता सेवा सदन च हुशियारपुर ना जलंधर। जलंधर तो इतों फिर मैं उत्थे रह नहीं सकता सीगा। तो इन्होंने पंचकूले मुंडे सीगे सरदारां दे, वह पंचकूले वाले जैन स्कूल सीगा, ये उन्होंने वाल कटा देंदे सीगे। कमेटी ने कहा ये सानू भेजो असी सक रखांगे इन्हों। श्रोमणी कमेटी? हाँ श्रोमणी कमेटी जा जरा जतीम खान, हाँ जी हाँ जी। उन्होंने मैं भी तोड़ता। अच्छा, जदों उतों ये कहन भी असी इतने नहीं रहना मुंडे कहते हैं, मैं भी इन्हों वापस हुशियारपुर आ गया। आए जलंधर, जलंधर तो थापर ने फिर भेजता गांधी ममता आश्रम रखे एक हफ्ता जी। फिर इन्होंने इतने भेज दिता हुशियारपुर राम कलोनी, इतने इन्होंने इंतजाम करता रोटी रोटी पकाने का। तो मैनू फिर सहगल ने कहा भी जे तेरी माँ इतने हैगी है हुशियारपुर तो उन्होंने इतने लिया। मेरे भैन भरा भी उत्थे दाखिल हो गए स्कूल च, ये छोटे सन, इन्हों मैं इतने लैंदा। इतने फिर मैं मैट्रिक की, एफ एस सी दाखिल होया, छड़ के जे बी टी कर ली, टीचर लग गया। तो इस तरह सफर जरा एक जरा ये भी ये ज़्यादा जानता, वैसे इनू मैं भेजा वो कटिंग भी भेजी है दर्शन लाल इत कलन लिखा हुआ जी है जी है। ये मेरे तो दो कु साल सीनियर सीगा। ये कितों आए थे कलन साहब? ये इतने इंग्लैंड रहिंदे ने अजकल। ये काफ़ी बड़े को अफसर बने लगते हैं? ये उत्थे रहे सी कि ओवरसीज कांग्रेस दे पहला सैकटरी रहा, फिर प्रेजिडेंट भी रहा। ये इतों बी ए करके गया सीगा, तो मेरे नाल काफ़ी अच्छा। इत मेरे को आके एक दिन मिल भी गया, दी सिस्टर इतने हैगी जी जी जी। इनू मैं भेजी वो अपनी कटिंग कटिंग। अच्छा अच्छा। तो यदि पोतरी का विह सीगा। तो कलन साहब कितों आया जी? ये सियालकोट तो। रात जिन्हों मैं फोन किया वो दिल्ली है, उन्होंने मैं क्या वाइफ वो सियालकोट की है, हसबेंड वह मिंट घुमरी का। मैं फिर पूछया उन्हों, उदा तो कभी पूछे नहीं सी भी किस तरह। हम नेत्र का पता सीगा भी नेत्र वो तो प्रिंसीपल है हैं कमल नेत्र साहब नहीं नेत्र प्रकाश नेत्र प्रकाश साढ़े बस प्रिंसीपल प्रिंसीपल रहा वे उन्होंने स्टोरी भी इदा दी। तो मार गया ना मुसलमान। अच्छा अच्छा। इतने ठोडी से लग्या मर गया वे, वो ठोडी वो कट सीगा हूँ भी जो सर ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਆਪੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ
जलंधर भी मैं वो रेहड़ा चलाउंदा हुंदा सीगा जिहड़ा सर चलाउंदे हुंदे सी बच्चे साइकल का पहिया जां ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਿਸ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ ਸਹਿਗਲ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੰਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋਬ ਸੀਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਚੜਲੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਦੋ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇਹ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਬਜਵਾੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋਗ੍ਰਫੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹਾਈਜੀਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਾਪੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਓ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੱਠ ਉਹ ਵੀ ਹੈਂ ਇਹ ਉਣਾਹਠ ਉਣਾਹਠ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਚੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਕਰੇਟ ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਖਾ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ